क्वेश्चन नंबर 22, मीता, गोपाल, फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1 ओल्ड रेशियो. ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइड टू चेंज पीएसआर न्यू रेशियो 5:3:2. ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000 एंड कंटिजेंसी रिजर्व ऑफ 9,000. तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस, और कंटिजेंसी रिजर्व हमारा प्रॉफिट होता है. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लॉस बेयर करते हैं पार्टनर्स. इसके अलावा गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो गुडविल ऑफ द फर्म है वो, तो गुडविल की एंट्री तो क्या होती है? गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. उसके लिए क्या चाहिए आपको? गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ध्यान से देखेंगे, पहले तो यहाँ जगह थोड़ी बढ़ा देते हैं. कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिफरेंट नेम्स, ठीक है ना? सेम चीज है. कंटिजेंसी रिजर्व मतलब कल को जरूरत पड़े तो हमने रिजर्व क्रिएट किया, इट इज अ फ्री रिजर्व. कंटिजेंसी रिजर्व की एंट्री आएगी, लॉस की एंट्री आएगी, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग गुडविल की एंट्री आएगी. कितने पार्टनर्स हैं? मीता, गोपाल, फरहान, तीन पार्टनर्स हैं. तो थोड़ी और जगह एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कम ना पड़े. चलो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. कोई डाउट? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो. क्या नाम है? मीता, गोपाल, फरहान. मीता, गोपाल, फरहान. ओल्ड रेशियो वॉज 3:2:1 एंड न्यू रेशियो इज 5:3:2. न्यू ओल्ड 5:3:2. तो ध्यान से देखेंगे, तो सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर किसका निकाल रहे हैं हम? मीता. ओल्ड रेशियो क्या है? 3:6 माइनस 5:10. 6 10 60, 10 3 30, -30, शून्य. 3:6 इज 50%, 5:10 इज 50%. नो सैक्रिफाइस, नो गेन. दूसरा गोपाल, ओल्ड रेशियो 2:6 माइनस 3:10. 6 10 60, 10 2 20, -18, 2:60. तो 2:60 आपने सैक्रिफाइस निकाला, पॉजिटिव आया, तो मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है. बस अपनी रेफरेंस के लिए कि ये सैक्रिफाइस है. और तीसरा पार्टनर कौन है? अब ऑब्वियस सी बात है कि एक का कुछ नहीं हुआ, एक का सैक्रिफाइस है, तो उसका गेन ही आना है. नहीं, एलसीएम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो तो हम लास्ट में सिंप्लीफाई कर देंगे. जरूरी नहीं होता कि आपको एलसीएम निकाल के ही करना है. स्पीड अप करने के लिए आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. स्पीड अप करने के लिए आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वो जब फाइनल रेशियो निकलेगा तो तब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना? वो आप अभी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो लास्ट स्टेप पे भी कर सकते हैं. ओल्ड रेशियो इज 1:6 माइनस 2:10. तो ये क्या हो गया? 60. 10 1 10 -12, तो क्या आ गया? -2:60. क्या है? ये गेन है, ये गेन है. तो हम 2:60 क्या है? 1:30. 2:60 क्या है? 1:30. तो आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1:30. बट ये लास्ट स्टेप पे इसलिए करना एडवाइजेबल रहता है, अगर ये होता 3:60, 3:60, तो इसको 30 नहीं करना होता ना, फिर 1.5 आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट कर देता. तो इसीलिए मतलब आप इसको एलसीएम निकाल के करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें, उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट स्टेप पे जाके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, और अभी एलसीएम कर रहे हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा. तो गेन इज 1:30, सैक्रिफाइस इज 1:30. ये किस लिए हमने इतनी मेहनत करी? गुडविल का शेयर निकालने के लिए. तो गोपाल शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज 480. 480, तो गोपाल शेयर क्या आ जाएगा? 480 इंटू 1:30. 30 मतलब 16 32 48, 16,000, ठीक है. तो सेम ही आएगा फिर फरहान का भी, बट फर्क क्या है? एक गेनिंग पार्टनर है, 16,000.
फरहान है ना गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो चलो पहले सीक्वेंस के हिसाब से करना चाहिए, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। स्टेप वन इज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, डन। स्टेप टू इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल की एंट्री आएगी, गुडविल की एंट्री आएगी। सीक्वेंस वाइज बेटर रहता है कि हमें वो करना चाहिए, आगे जाके आपको काम आएगा जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना। तो गुडविल, गुडविल मतलब गेनिंग पार्टनर, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल इज वैल्यू डैट, ये कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। तो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कौन है, गोपाल, गोपाल कैपिटल अकाउंट 16,000। गुडविल की एंट्री में कोई डाउट? अब एक रिजर्व है एक लॉस है, रिजर्व क्रेडिट कर देंगे, अलग अलग एंट्री पास करेंगे। कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, पहला नाम क्या है, मीता, टू मीताज कैपिटल, टू नहीं गोपाल है, गोपाल उसी ऑर्डर में नाम लिखेंगे, गोपाल्स कैपिटल टू फरहान्स कैपिटल। कितना रिजर्व था, रिजर्व है 9,000। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो वॉज 3:2:1, 3:2:1 मतलब 6:3:2:1। कोई डाउट? लॉस है, लॉस, लॉस राइट ऑफ हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, मीताज कैपिटल, गोपाल्स कैपिटल, फरहान्स कैपिटल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपका लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस एक्सपेंस है, राइट ऑफ करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से भी दिया हुआ हो सकता है। कितना था ये, 30,000। ओल्ड रेशियो 3:2:1। कोई भी डाउट, क्लियर, पक्का? क्वेश्चन नंबर 22।